खरगोन जिले में आवारा जानवर अब खुखार हो गए हैं। गोगांव में पिछले दिनों आवारा कुत्तों ने 15 लोगों को घायल कर दिया था, तो वहीं सोमवार को खरगोन शहर के आनंद नगर में सुअरों ने आतंक मचा रखा है। सुअरों ने दो बकरी के बच्चों को मार डाला, वहीं एक बच्ची को घायल कर दिया है। वहीं नागरिकों की शिकायत करने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। सोमवार को सुअरों ने दो बकरी के बच्चों को अपना शिकार बनाया और तो और सुअरों ने एक बालिका को भी अपना शिकार बना दिया, जिसमें बच्ची घायल हो गई। नागरिकों ने बताया कि सुअरों से रहवासी बहुत परेशान हैं। वहीं नगर पालिका के अधिकारी प्रकाश चित्ते को जब हमारे संवाददाता अजय तिवारी ने पूरा घटनाक्रम सुनाया तो उन्होंने तुरंत तत्परता दिखाते हुए टीम रवाना की। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। क्या समस्या आ रही है आप लोगों को यहाँ? अरे जानवर बहुत गंदगी कर रहे हैं और गंदगी के साथ में क्या है कि जानवर को, बकरी के बच्चों को भी अभी मार के फेंक दिया। अब क्या करते हो बताओ? अभी घर के अंदर इंसान काम करेगा कि अभी जानवर को भगाएगा? दिन भर भगाते भगाते बहुत परेशान हो जाते हम। कब तक परेशानी करना? इनकी हगार भी थी, देख लो। पार्षद से बात करिए आपके? नहीं, पार्षद से नहीं गया। अभी अब हम धंधे धार पर से आए ना, देख लो तो नुकसान कर दिया। क्या कर दिया? वो बकरी के बच्चों को पकड़ के मार डाला उन्होंने। अब क्या कर सकते हैं बताओ? क्या समस्या आ रही है? हमें ये तकलीफ है कि ये जानवरों को यहाँ से निकाला जाए। हमें बहुत तकलीफ है इनसे। बच्चों को पकड़ रहे हैं और जवान आदमी के पीछे भी दौड़ते ये कौन, है ना? कौन पकड़ रहा है? ये सुअरों। अच्छा। और तकलीफ ये है कि जिसको हम बोलते हैं वो हमारी सुनवाई नहीं करता। पार्षद को कम से कम 5-6 चक्कर बोल चुका हूँ मैं, है ना? बाकी वो झांकने भी नहीं आता इधर। कौन पार्षद है? पार्षद है ये भाल से, संतोष नाम है क्या, कई कुछ नाम है उसका। उसको हम बहुत कह चुके हैं तो वो झांकने तक भी नहीं आता है। और दूसरी बात यह है कि गंदगी इस कदर की हो रही है कि समझ से बाहर हो रही है। मतलब आज क्या घटना घटी? आज ये दो बच्चे मारे गए, एक ये बच्चा पड़ा हुआ बकरी का, एक बच्चा उधर पड़ा हुआ। और रात को कुत्तों के बच्चे पकड़ लिए, 4-5 कुत्तों को, कुत्ते वो हमारे घर के पास में पड़े हुए हैं। और गंदगी ये लोग साफ भी नहीं करवाते हैं पार्षद लोग। ये जानवरों को पकड़ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लिए, एक बच्ची को पकड़ ली, ये लड़की को पकड़ी उसने, है ना? तो छोड़ाने गए, जब उसने छोड़ी नहीं तो उसको मार डालते बच्ची को। सेवा साहब को शिकायत दर्ज कराई आपने नगर पालिका में? दो बार में मतलब जो है जाके एप्लीकेशन लेके आया हूँ, बाकी वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी नगर पालिका में। जी सर, ये आनंद नगर में बहुत सुअर हो गए हैं, जिसने आज दो बकरी के बच्चों पे हमला करा, दोनों की मौत हो गई और एक बच्ची पर कोई पकड़ने का प्रयास करा। हाँ, मुझे वहाँ से सूचना मिली थी कि यहाँ 2-3 सुअर बहुत आतंक मचा रहे हैं। वैसे मैंने मेरी यहाँ की यहाँ से टीम रवाना कर दी, शायद उनको पकड़ लिए होंगे अभी तक। ये सुअर इसलिए आए कि वो मुक्ति धाम वहाँ पड़ोस में जो शमशान घाट है उसके बबूल की सफाई वगैरह हो रही है। ये अक्सर वहाँ बैठा करते थे, किंतु वहाँ सफाई होने से ये बाहर निकला है। तो मैंने उनको सभी सुअरों को पकड़ने के लिए आदेशित कर दिया है, तो शाम तक शायद बहुत सारे सुअर पकड़ा जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।